एवरीवन नमस्कार, मैं हूँ निधि। आप सबका वेलकम करती हूँ निधि किचन लाइफस्टाइल चैनल पे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब सुरक्षित होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हेयर रेमेडी लेके आई हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोगों को सफेद बालों की प्रॉब्लम है, यानी कि ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम है, प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इसके लिए बहुत ही अच्छा सा रेमेडी लेके आई हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास ही दिखेगा एक छोटू सा बेल बटन, उसे दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहेगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज एंड प्लीज लाइक कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों जो भी रेमेडी मैं लेके आती हूँ ना, बिल्कुल 100% ये नेचुरल होता है, कोई भी इससे साइड इफेक्ट नहीं होता है और इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है। तो आप बेझिझक इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों पे, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और किसी भी एज वाले लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। आज की ये रेमेडी जो है इसे आपको रात भर भिगो के भी नहीं रख। तो दोस्तों इस रेमेडी को हम बना के रेडी करेंगे लोहे के बर्तन में, आयरन वेसल में, क्योंकि आयरन जो लोहे का जो तत्व होता है ना, वो हमारे सफ़ेद बालों पे बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कप इतना मैं लेने वाली हूँ आंवला जूस। दोस्तों आंवला जूस आपको ईजली मार्केट में अवेलेबल है। वैसे अभी सर्दियों का मौसम है, इस सीज़न में आंवला बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आप उसे ग्रेट करके यहाँ पे उसका जूस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट और जो लास्ट इंग्रेडिएंट मैं ऐड करने वाली हूँ ना, वो है ब्राह्मी लीफ पाउडर, जो कि हमारे सफ़ेद हुए बालों पे 100% वर्क करता है। तो एक चम्मच इतना ले लेंगे। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और बिल्कुल लो फ्लेम यानी कि धीमे आँच पे इसे हमें पकाना है, जब तक कि ये थिक कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, इसमें ना ही कोई मैं मेहंदी इस्तेमाल कर रही हूँ, ना ही इंडिगो इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपको इसे यूज़ करने के बाद, इसे लगाने के बाद आपको कोई भी ठंडा नहीं लगने वाला। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि हीना यानी कि मेहंदी की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो हमें यहाँ पे कोई भी मेहंदी नहीं इस्तेमाल करना। अभी सर्दियों का सीज़न है। बस इस तरह से रेमेडी बना के आप रेडी कर ले। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप चाहें तो इस रेमेडी को रात को बना लें और सुबह सुबह आप अप्लाई कर लें, या तो आप नहाने के पहले इसे बना लें और जब ये ठंडा हो जाए, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो आप इसे अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद आधे घंटे से 45 मिनट के लिए आपको अपने बालों पे रखना है। आपको इसे अप्लाई करना है हेयर डाई ब्रश जो आती है ना, उससे अप्लाई कर लें या बेकार वाली टूथब्रश से अप्लाई कर लें। ये देखिए थिक कंसिस्टेंसी में आ गया है। और आधे घंटे से 45 मिनट रखने के बाद आपको वॉश कर लेना है। दोस्तों ये रिज़ल्ट आपको 100% देगा, बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपके सफ़ेद बाल बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। तो ये थी आज की रेमेडी, होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।